नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WAS वर्सेस WOR के बीच होने वाले मैच के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच के डिटेल्स के बारे में, वेन्यू के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 किस तरह से रहेगी इसके बारे में। मैं उसके बाद आपको कुछ प्लेयरों के ऐसे स्टैट्स आपको दिखा दूंगा जिससे कि आपको अपनी खुद की एक विनिंग टीम बनाने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, चाहे वो ड्रीम इलेवन का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप हो। आखिर में मैं ज़रूर आपको ड्रीम इलेवन की 3 विनिंग टीम्स दिखाऊंगा जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग तो हो ही सकती है, साथ ही साथ आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग भी जीत सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो सबसे पहले आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मैच के डिटेल से। वॉरविकशायर वर्सेस वॉरसेस्टरशायर के बीच ये मैच होने वाला है। नॉर्थ ग्रुप है दोस्तों। वेन्यू की बात करें तो एस्बेस्टन बर्मिंगहम है दोस्तों। वही अगर मैच कब और कहाँ कितने बजे, तो ये मैच 16 जुलाई को है दोस्तों, यानी आज ही के दिन है रात को 11 बजे, तो कुछ देर बची है दोस्तों इस मैच के लिए। तो अब बात कर लेते हैं, आप ये मैच अगर देखना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, या तो यूट्यूब पे देख सकते हैं या फिर टीम के साइट पर वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों पिच रिपोर्ट के अनुसार ये पिच काफ़ी कंफ्यूजिंग है दोस्तों। यहाँ पे दोनों को मदद मिल सकती है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों को मदद मिल सकती है। पिछले 2 मैचेस की बात करी जाए तो एक बार दोनों को समान रूप से यहाँ पे सहायता मिली है, तो ये कुल मिला के पिच अच्छा है दोस्तों बैटिंग और बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों के लिए। तो यह इस कुल मिला के यहाँ पे बैट और बल्ले के बीच काफ़ी बढ़िया मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉरविकशायर की प्रोबेबल 11 की, तो वो कुछ इस तरह से रही। ईडी पोलॉक, एहूस, विल रोड्स, सैम हेंस, एम लैम्प लैम्प, आर येट्स, मिचल बर्ग्स, जेकब बेटल, जेक लिटॉट, क्रैग मिल्स, आर सिड बॉटम, तो इस तरह से रहेगी वॉरविकशायर की प्रोबेबल 11। अब बात करते हैं वॉरसेस्टरशायर की प्रोबेबल 11 की, तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। बीडी ओलिवरा, उसके बाद रहेंगे रिकी वेल्स, जे लिबी, बेन कॉक्स, डी मिचल, आर वेटली, बेन डॉरिश, ई डी बर्न, ईस्ट सोदी, डी पेगिंगटन और सी मॉरिस, तो इस तरह से रहेगी प्रोबेबल 11 वॉरविकशायर की। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्लेयरों के स्टैट्स में आपको दिखा दूंगा जिससे कि आपको अपनी खुद की एक विनिंग टीम बनाने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी, चाहे वो ड्रीम इलेवन का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप हो। तो सबसे पहले प्लेयर है ईडी पोलॉक। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों और अच्छे खासे खेल रहे हैं दोस्तों, और काफ़ी बढ़िया उनकी उनका फॉर्म है। प्रीवियस मैच अगेंस्ट वॉरविक्स वॉरिस्टशायर ही स्कोर्ड 53 रन इन 35 बॉल्स। इन्होंने पिछले मैच में 35 गेंदों में 53 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी जिसमें उन्होंने 4 4 और 3 6 लगाए थे। अगर इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट का देखा जाए तो इन्होंने अब तक 241 रन बनाए हैं और उनका एवरेज है 24.1 यानी 24.1 का है दोस्तों, तो काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, ज़रूर इन्हें हम अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सैम हेन की बात करें तो ही इज लीडिंग रन स्कोरर फॉर द वॉरविकशायर दिस कॉम्पिटिशन विद द 308 रन इन 10 इनिंग्स, यानी इन्होंने अब तक 10 जो इनिंग खेली है उसमें अपने टीम वॉरविकशायर की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए, उन्होंने 308 रन बनाए जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। कुल मिला के इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है, ज़रूर आप इनको अपने टीम में ले सकते हैं, मैं भी अपने टीम में इन्हें लेने की काफ़ी कोशिश करूँगा। इसके बाद बात कर लेते हैं बीडी ओलिवरा की, जो जी हाँ, इन द लास्ट 5 मैचेस वर
ही स्कोर 226 रन्स एट एवरेज 45.2। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने लास्ट पांच मैचेस में काफ़ी मतलब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है दोस्तों। लास्ट पांच मैचेस में इनका इनके स्कोर है 226 यानी 226 रन इन्होंने लास्ट फाइव मैचेस में ही बनाए, जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ओवरऑल इन दिस टूर्नामेंट की अगर ओवरऑल इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने अब तक 337 जी हाँ दोस्तों 337 रन तो बनाई है, साथ ही साथ चार विकेट भी इन्होंने पिक किए, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस माना जा रहा है इनका, काफ़ी अच्छे बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हैं, तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि अपने टीम में इन्हें भी शामिल करूँ। अब बात करते हैं किवी लेग स्पिनर ईशोदी की। ईशोदी ने भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, खासकर पिछले पाँच मैचेस की बात करें तो ये इनका अब सबसे गोल्डन टाइम आ रहा है, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। ही स्पिनर ईशोदी हैड हिज बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट अगेंस्ट वॉरविकशायर्स लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे को इनका सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा था इस टूर्नामेंट का, उन्होंने चार विकेट्स भी लिए थे जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, और कुल मिला के ओवरऑल इनके विकेट्स देखे जाए तो इस टूर्नामेंट में अब तक वो 11 विकेट्स ले चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। अच्छी खासी गेंदबाजी अब वो कर रहे हैं और अच्छे खासे फॉर्म में लौट चुके हैं दोस्तों। आखिर में मैं बात करूंगा आर वेसल्स की, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है और आखिरी मतलब लास्ट इस टूर्नामेंट में अब तक वो 300 रन, जी हाँ दोस्तों 300 रन वो बना चुके हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है, ज़रूर इन्हें भी मैं पिक करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लेयर के हमने स्टैट्स देख लिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन की, टीम विनिंग टीम्स में आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आपको मदद हो जाएगी अच्छी खासी अर्निंग करने में, या फिर आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग भी ज़रूर जीत सकते हैं इन तीनों टीमों की मदद से। तो ठीक है दोस्तों, हम ड्रीम इलेवन के ऐप पे आ गए हैं और अब हमें उस मैच पर जाना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे ये वो मैच है WAS वर्सेस WOR के बीच मैच होने वाला है, इस पर हमें क्लिक करनी है। आपने अगर पहली टीम नहीं बनाई तो क्रिएट अ टीम कीजिए, मैंने ऑलरेडी तीन टीम्स बना के रखी, तो मैं माय टीम पर क्लिक करूंगा और पहली टीम को एडिट करके दिखा दूंगा, एक एक करके एडिट करके दिखाऊंगा किसको लिया है और किसको नहीं लिया है, और आखिर में बताऊंगा कि किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं कीपर पर, तो कीपर में हमारे पास दो ऑप्शन है, जो कुल मिला के बी कॉक्स है और एम्बर बर्गस से, तो ये भी दोनों की दोनों बढ़िया है, लेकिन इस टीम में मैंने बी कॉक्स को लिया है दोस्तों, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। तो अब चलते हैं बल्लेबाजी पर, तो बल्लेबाजी में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है दोस्तों, लेकिन हमने यहाँ पे चार बल्लेबाजों के साथ हम जाने वाले। एस एन की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है इनका पिछले कुछ मैचेस में, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, तो ज़रूर आप इनके साथ जा सकते हैं, मैं भी इनको पिक कर रहा हूँ। तो उसके बाद ए होस, जैसे कि हमने शायद देखा था कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इनका, ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, ज़रूर आप इनको भी पिक कर सकते हैं। उसके बाद आर वेसल्स की तो क्या बात है दोस्तों, हमने देखा ही कि इन्होंने 300 रन बना लिए अब तक इस टूर्नामेंट में, जो कि काफ़ी बढ़िया है, ज़रूर आप इन्हें भी पिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ ईडी पोलॉक की बात कर लेता तो ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, ज़रूर आप इनको भी पिक कर सकते हैं। चारों के चारों बल्लेबाज काफ़ी बढ़िया है दोस्तों और अच्छे खासे पॉइंट आपको दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ऑलराउंडर पर चलते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी प्लेयर है जो प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं हुए थे कुछ पिछले कुछ मैचेस में, जैसे कि मोइन अली तो इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे, कार्लोस ब्रेथवेट पता नहीं क्यों नहीं खेल रहे, टी ब्रेसनियन भी पिछला मैच नहीं खेले थे, तो काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर है जो टूर्नामेंट में खेल नहीं रहे। तो अब बात कर लेते हैं जिनको हमने लिया वो दो ऑलराउंडर कौन से, तो डब्लू रोड्स को हमने लिया है, ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है और अच्छी खासी बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हैं, तो ज़रूर आप इन्हें भी पिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद हमने बी डी ओलिवेरा को लिया है, जैसे कि स्टैट्स में हमने देखा काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है इनका और पिछले पाँच मैचेस में तो ज़बरदस्त है, तो इस वजह से मैंने इनको इस टीम में शामिल किया है। तो अब चलते हैं गेंदबाजी पर, तो गेंदबाजी में मैंने यहाँ पे चार गेंदबाज लिए दोस्तों, बी डावरिश को लिया है, ये भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, खास करके पिछले दो चार मैचेस में तो इनका परफॉर्मेंस देखने लायक है। इसके बाद बात कर लेते जो दूसरे हैं ईशोदी, जी हाँ दोस्तों ईशोदी को तो हम नहीं छोड़ेंगे इस टीम में, एक टीम में कम से कम हम ज़रूर इनके रखेंगे। पिछले तीन चार मैचेस की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है और आप इन्हें ज़रूर पिक कीजिए, तो इस तरह से मैंने इनको भी इस टीम में शामिल किया है। और अगले जो गेंदबाज है सी माइल्स, ये भी बढ़िया
गेंदबाज है, इनको भी काफ़ी विकेट मिल रहे हैं और अच्छे खासे फॉर्म में लग रहे हैं। उसके बाद सी मॉरिस की भी तो बात करें तो पिछले 4-5 मैचेस में काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट दिए इन्होंने, तो आप ज़रूर इनको भी पिक कीजिए अपनी टीम में। तो इस तरह से हमारी ये टीम बन चुकी है। कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और दिखा दूंगा किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं। तो मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किए, उसके बाद मैंने बीडी ओलिवेरा, जी हाँ दोस्तों, बीडी ओलिवेरा को कैप्टन बनाया। ऑलराउंडर है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया फॉर्म में पिछले कुछ मैचेस में और अच्छे खासे पॉइंट दे रहे हैं, तो ज़रूर आप फिर दाव लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 24.28% यानी करीब करीब 25% लोगों ने इनको कैप्टन बनाया, तो वही करीब करीब 45% लोगों ने इन्हें वाइस कैप्टन भी बनाया। तो मैं जाऊंगा कि इनको आप कैप्टन बनाए, उसके बाद मैं बात करता हूँ वाइस कैप्टन की। तो सी मॉरिस को मैंने वाइस कैप्टन बनाया दोस्तों। जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ कि अगर आपको ग्रैंड लीग जीतनी है तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन में से एक को रिस्की लगाना होगा, एक को आप थोड़ा रिस्की नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से मैंने बी डी ओलिवेरा को जब कैप्टन लगाया, ये काफ़ी कम रिस्की है दोस्तों, लगभग रिस्की है ही नहीं, लेकिन सी मॉरिस ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अगर ये अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो सिर्फ 2.67, जी हाँ दोस्तों, तो 2.5% से थोड़े से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर देते तो काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर बी डी ओलिवेरा फेल होते तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा। तो इस वजह से मतलब आपको ज़्यादा फायदा होना चाहिए, इस वजह से वाइस कैप्टन सेफ तो लगाइए, लेकिन काफ़ी कम लोगों ने इन पर दाव लगाया होगा, ऐसा चूज़ कर सकते हैं ताकि आप ग्रैंड लीग में काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सके। तो इस तरह से ये टीम बन चुकी है दोस्तों, एक बार टीम प्रीव्यू ज़रूर करा दूंगा। सबसे पहले कैप्टन कीपर की बात की तो बी कॉक्स को हमने लिया है, 4 बल्लेबाजों के साथ इस टीम में हम जाने वाले। एस हेन को लिया है दोस्तों, उसके बाद ए हाउस को लिया है, तो 4 बल्लेबाजों में आर वेस्ली को भी हमने लिया है और ई पोलॉक को भी हमने लिया है। तो इस तरह से 4 बल्लेबाज हमारे पास है। ऑलराउंडर की बात करें तो 2 ऑलराउंडर को हमने लिया है, डब्ल्यू रोड्स को लिया है और बी डी ओलिवेरा को लिया है। तो काफ़ी बढ़िया ऑलराउंडर है हमारे पास और अच्छे खासे वो बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हैं। इसके बाद 4 गेंदबाजों को इस टीम में हमने शामिल किया है, बी डाउरिश को हमने लिया है, सी माइल्स को लिया है और सी मॉरिस को लिया है, तो इस सोदी को हमने लिया है। तो इस तरह से 4 बल्लेबाज है, 4 गेंदबाज है, 1 कीपर है और 2 ऑलराउंडर हमारी टीम में शामिल है। कैप्टन हमने बी डी ओलिवेरा को बनाया और सी मॉरिस को वाइस कैप्टन बनाया। तो ज़रूर काफ़ी बढ़िया टीम है, ज़रूर आप इसे ग्रैंड लीग के लिए यूज कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए यूज करके इसे वेस्ट मत कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस टीम को क्लोज करके सेव कर लेते हैं और दूसरी टीम को एडिट करके दिखा देता हूँ किसको किस किस को हमने लिया है और किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कीपर पर, तो बी कॉक्स और एम बर्गस दोनों को हमने लिया है, क्योंकि दोनों के दोनों बढ़िया कर चुके हैं अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में, तो ज़रूर हम इन पर भी दाव लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब चलते हैं बल्लेबाजी पर, तो 5 बल्लेबाजों को इस बार हमने शामिल किया है, हेन को वापस लिया है, लेकिन इस टीम में हमने जे लीबी को लिया है, ये भी बढ़िया है दोस्तों, ज़रूर आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं। ए होस को भी दोस्तों हमने लिया है, आर वेस्ली तो हमारी टीम में थे ही, उनको भी लिया है और ई पोलॉक को भी हमने वापस लिया है। तो इस तरह से 5 बल्लेबाजों के साथ हम जाने वाले हैं दोस्तों इस टीम में। तो आप चलते हैं ऑलराउंडर पर, तो 5 बल्लेबाज और 2 कीपर होने की वजह से हमारे पास ऑलराउंडर एक ही ले सकते हैं और वो ऑलराउंडर हमने लिया है बी डी ओलिवेरा, जी हाँ दोस्तों, इनको ही पिक करेंगे, अगर एक ऑप्शन हो तो इनको ही पिक करेंगे हम, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। तो इस तरह से बी डी ओलिवेरा को लेने के बाद गेंदबाजी पर चलते हैं। गेंदबाजी में हमने इस टीम में काफ़ी सोच समझ के गेंदबाज चुने हैं और वो है सी मॉरिस को हमने लिया है, उसके बाद हमने बी डाउरिश को तो लिया ही है, लेकिन यहाँ पे जे लिट्टॉट को हमने इस टीम में शामिल किया है। तो काफ़ी बढ़िया कुल मिला के ये भी टीम बन चुकी है, आप इस पर भी ग्रैंड लीग के लिए दाव लगा सकते हैं। एक बार कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हो, कैप्टन और वाइस कैप्टन देख लेते हैं। तो इस टीम का कैप्टन मैंने बी कॉक्स को बनाया, काफ़ी बढ़िया है प्रदर्शन रहा है, पिछले 5 मैचेस की बात करें तो हर बार वो ड्रीम टीम में है दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा इनका पिछले 5 मैचेस में। कैप्टन को ज़रूर हमने इनको बनाया, क्योंकि कम लोगों ने इन पर दाव लगाया है, तो आप अगर ये अच्छा खेलते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, या फिर आप ग्रैंड लीग भी जीत सकते हैं इनकी वजह से। अब बात कर लेते हैं आर वेसल्स की, इनको वाइस कैप्टन लगाया, इनको भी काफ़ी कम लोगों ने दाव लगाया वाइस कैप्टन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सेफ है दोस्तों दोनों के दोनों, ज़रूर आप इन पर दाव लगाएंगे तो अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे, नहीं तो ग्रैंड लीग भी आप ज़रूर जीत सकते हैं।
तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यही आप रहने देने देना चाहिए आपको। अब एक बार टीम प्रीव्यू जरूर करा दूंगा दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो कीपर है मेरे पास, इन बर्गर से और बी कॉप से, तो वही पांच बल्लेबाजों के साथ ही इस टीम में जाने वाले एस एन, जेलीवी, ए होस और आर वेसली और ई पोलॉक, तो वही हमारे पास इसकी वजह से एक ही ऑलराउंडर ले सकते हैं बी डी ओलिवरा को। वही हमारे पास तीन गेंदबाज है, बी डाउरिश को हमने लिया है, सी मॉरिस को लिया है और इस बार जे लिट्टॉट को इस टीम में शामिल किया है। तो काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, ज़रूर आप इस पर भी दाव लगा सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस टीम को भी हम सेव कर लेते हैं और तीसरी और आखिरी टीम को एडिट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो इस तरह से हम कीपर पर फिर से आ चुके हैं। फिर से हमने यहाँ पे एक ही कीपर को लिया है, बी कॉक्स को लिया है, ताकि हमारे पास बैटिंग, बॉलिंग या फिर ऑलराउंडर में ज़्यादा ऑप्शन रह सके। तो इस तरह से एक कीपर के बाद हम चले बल्लेबाजी पर, तो हमने आर वेटली को यहाँ पे लिया है, ये भी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों और अच्छा खेल सकते हैं, तो इनको हमने इस टीम में शामिल किया है। एस एन को ऑफकोर्स वापस लिया है दोस्तों, तीनों टीमों में हमारे पास ये है। आर वेसल्स को भी हमने इस टीम में वापस शामिल किया है। ई पोलॉक भी हमारे हर टीम में है दोस्तों, ज़रूर आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास चार बल्लेबाज हो चुके हैं, आर वेटली, एस एन और आर वेसल्स और आगे है ई पोलॉक को हमने इस टीम में शामिल किया। इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में हमने डब्ल्यू रोड्स को लिया है इस बार और बी डी ओलिवरा को लिया है और ई बर्न को लिया है, ये भी काफ़ी बढ़िया ऑलराउंडर है दोस्तों। तीनों की तीनों जबरदस्त खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बॉलिंग पर चलते हैं, ऑफकोर्स इस बार हमने फिर से जे लिट्टॉट को लिया है, ईश सोधी को लिया है और सी माइल्स को लिया है, तीनों की तीनों बेस्ट बॉलर है दोस्तों, ज़रूर आप इन पर दाव लगा सकते हैं। कंटिन्यू पर चेक कर लेते हैं, कैप्टन और एस कैप्टन देख लेते हैं। तो इस टीम का कैप्टन मैंने तो बनाया है डब्ल्यू रोड्स को दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 47% से भी ज़्यादा लोगों ने इन पर दाव लगाया, तो काफ़ी सेफ है दोस्तों कैप्टन के लिए, ज़रूर आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं। वाइस कैप्टन की बात करें तो हमने ईश सोधी को लगाया, थोड़ा रिस्की ज़रूर है, लेकिन पिछले पाँच मैचेस की बात करें तो 39, 76, 114, 153 और 5 मैचेस में काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट दिए इन्होंने, तो ज़रूर आप इन पर दाव लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। तो इस तरह से काफ़ी बढ़िया ये टीम बन चुकी है, ज़रूर आप इस पर दाव लगा सकते हैं। टीम प्रीव्यू ज़रूर करा दूंगा दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कीपर में बी कॉक्स है, चार बल्लेबाज है हमारे पास, आर वेटली, एस एन, आर वेसल्स, ई पोलॉक, तीन ऑलराउंडर के साथ हम इस टीम में जाएंगे दोस्तों। डब्ल्यू रोड्स, ई बर्न, बी डी ओलिवरा, तीन गेंदबाज है, ईश सोधी, सी माइल्स और जी जेलिट्टॉट। कैप्टन हमने बनाया डब्ल्यू रोड्स को, तो वही वाइस कैप्टन हमने ईश सोधी को बनाया, तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, ज़रूर आप इन पर दाव लगा सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया है टीम है दोस्तों, ज़रूर आप इसे ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कीजिएगा, वो स्मॉल लीग के लिए यूज़ करके इसे वेस्ट मत कीजिएगा, फिर से कहूँगा। तो इस टीम को भी क्लोज कर सेव कर लेते हैं दोस्तों, और आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, ये तीनों टीमें ज़रूर पसंद आई होगी, तीनों टीमों के कैप्टन और वाइस कैप्टन के कॉम्बिनेशन ज़रूर पसंद आएंगे। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और फिर इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए कि कौन सी टीम आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।